अस्सलाम वालेकुम। आज के एडिटोरियल के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रैश प्रॉप फाइंडिंग्स। सबसे पहले तो हेडिंग में ही एक मीनिंग है, एक प्रॉप मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, यानी कि जो एक क्रैश हुआ था, क्रैश से मतलब के प्लेन क्रैश जो हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग्स है उनका अब कुछ रिजल्ट आया है। तो शुरू करते हैं। द फाइनल फाइंडिंग्स ऑफ द एयरक्राफ्ट इन एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड रिगार्डिंग द डेडली 2016 PIA प्लेन क्रैश हैज़ वंस अगेन ब्रॉट द नेशनल फ्लैग कैरियर एज वेल एज द एविएशन इंडस्ट्री रेगुलेटर। ये कह रहे हैं कि जो फाइनल फाइंडिंग्स थी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट की, इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने जो की थी 2016 PIA प्लेन क्रैश की, वो एक बार फिर जो है उसने नेशनल फ्लैग कैरियर और एविएशन इंडस्ट्री रेगुलेटर पे सवालिया निशान बना दिया है, उन्हें कटहरे में लेके आ गए। अब इसमें एक वर्ड है नेशनल फ्लैग कैरियर। फ्लैग कैरियर से एक ख़ास तौर पे जो ट्रांसपोर्टेशन होती है बाय एयर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि प्लेन्स के लिए, तो नेशनल फ्लैग कैरियर को भी कटहरे में लेकर आ गए हैं। दो द प्रॉप प्राइमरीली ब्लेम्स PIA इंजीनियर्स फॉर द थ्री टेक्निकल फॉल्ट्स। वो जो इन्वेस्टिगेशन है इसके रिजल्ट में ये पता चला है कि तीन जो है टेक्निकल फॉल्ट्स थे। पहला ये था कि अ फ्रैक्चर्ड पावर टर्बाइन प्लेट, सेकेंड था अ ब्रोकन पिन इनसाइड द ओवर स्पीड गवर्नर डिवाइस, और तीसरा जो था कॉन्टेमिनेशन इन साइड द प्रोपेलर वेल्व मॉड्यूल। साइटेड एज द कॉज ऑफ द ट्रेजिडी, साइटेड का मतलब होता है हवाला देना, यानी कि इस ट्रेजिडी जो हुई है इसकी इन्होंने कोटेशन ये दी है कि ये तीन गलतियां थी जिनकी वजह से ये सानहा हुआ। ट्रेजिडी का मतलब होता है सानहा। द CAA सिविल एविएशन अथॉरिटी कैन नॉट बी एक्सक्यूज फॉर इट्स लैक ऑफ प्रॉपर ओवरसाइट। लैक होता है कमी, और ओवरसाइट मतलब होता है सुपरविजन, किसी चीज़ को रिव्यू करना या उसकी सुपरविजन करना। तो ये कह रहे हैं कि CAA जो है वो अपनी लापरवाही को अब एक्सक्यूज़ नहीं कर सकती, यानी कि उसके ऊपर कोई बहाना नहीं बना सकती। द इंक्वायरी कन्फर्म्स द फाइंडिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इन टू द क्रैश विच हैड ऑल्सो फाउंड लैप्सिस ऑन द पार्ट ऑफ द एयरलाइन एंड लैक ऑफ ओवरसाइट बाय द CAA टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है इब्तदाई, यानी कि इब्तदाई तहकीकात जो थी प्लेन क्रैश की, उन तहकीकात ने कन्फर्म किया है ये एक लापरवाही की वजह से हुआ है। इसमें एक वर्ड है लैप्सिस। लैप्स का मतलब होता है कि एक किसी गलती को छोटा समझना और फिर वो बड़ा नुकसान हो जाए। द इल फेटेड PIA ATR 42 फ्लाइट दैट वॉज ऑन इट्स वे टू इस्लामाबाद हैड क्रैश्ड इन टू द हिल्स नियर हवेलिया किलिंग ऑल 47 पैसेंजर्स। इसमें पहला एक वर्ड है इल फेटेड का मतलब होता है बदकिस्मत तैयारा, और उस फ्लाइट का नंबर लिखा है कि ATR 42 फ्लाइट जो थी वो अपने रास्ते जा रही थी इस्लामाबाद की तरफ, और हवेलियाँ एक जगह है वहाँ पे माउंटेन्स के दरमियान जो है वो क्रैश हुई, जिसमें 47 पैसेंजर्स ने अपनी जानों का नुकसान किया, इंक्लूडिंग सिंगर टर्न्ड इवेंजलिस्ट जुनीद जमशेद एंड क्रू ऑन बोर्ड 42 मिनट्स आफ्टर टेकिंग ऑफ फ्राम चित्राल। जो लोग प्लेन क्रैश में मरे उनमें एक जुनेद जमशेद भी शामिल थे। इसमें वर्ड है सिंगर टर्न्ड इवेंजलिस्ट, यानी कि पहले सिंगर थे फिर इवेंजलिस्ट बने। इवेंजलिस्ट अमूमन जो है वो जो क्रिश्चियन मुबल्लिग होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि अपनी जगह से निकल के कहीं और जाना और तबलीग करना, गश्त करने वाला मुबल्लिग। दैट इट टुक द इन्वेस्टिगेशन बोर्ड विच वर्क्स अंडर द CAA 4 long years टू फाइनलाइज द रिपोर्ट स्पीक्स वॉल्यूम फॉर द आउटरेजियस मैनर इन विच बोथ द एयरलाइन एंड द फ्लाइट इंडस्ट्री रेगुलेटर हैव इन द पास्ट ट्राई टू ब्लंट द इम्पैक्ट ऑफ सच इंक्वायरीज टू प्रोटेक्ट देयर ओन। ये कह रहे हैं कि जो एक इन्वेस्टिगेशन बोर्ड था CAA के अंडर, सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंडर, उसको 4 साल लगे ये रिपोर्ट फाइनलाइज करने के लिए और ये बताने के लिए। इसमें एक वर्ड है आउटरेजेस। आउटरेजेस का मतलब होता है शॉकिंग बैड, यानी कि आउटरेजेस मैनर मतलब कि कुछ ज़्यादा ही इन्होंने जो इस मैटर को डील किया कुछ ज़्यादा ही लापरवाही से किया कि उसको 4 साल लगाए एक रिपोर्ट फाइनलाइज करने में। और ये किस वजह से हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कुछ लोगों के मुफाद शामिल थे। लिटिल कंसर्न इज इवन शोन फॉर द फैमिलीज टू दोज हु हैव लॉस्ट देयर नियर एंड डियर वंस इन दीज अवॉइडेबल ट्रेजिडीज। इसमें बस एक छोटा सा कंसर्न शो किया गया था
उन फैमिलीज़ के लिए जिन्होंने अपने नियर एंड डियर वंस मतलब अजीज़ व अकारीब के लिए, अजीज़ व अकारीब की जाने हुई थी, उनका नुकसान हुआ था। वी डू नॉट नो इफ़ एनी एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट दोज फाउंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और उसका भी हमें नहीं पता जो इन्होंने थोड़ा सा कंसर्न दिखाया था कि वो भी उन्होंने पूरा किया है या नहीं किया है। जैसे उन्होंने कुछ पैसे देने का कहा होगा तो वो भी उन्होंने दिए या नहीं दिए, ये किसी को नहीं पता। वन वुड नॉट बी सरप्राइज इफ़ दे वर नॉट टेकन टू टास्क फॉर दियर केयरलेसनेस दैट कॉस्ट सो मैनी लाइव्स। और अगर इन्होंने नहीं किया होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं की होंगी, तो उसके ऊपर भी किसी को कोई ताज्जुब नहीं है। PIA हैज़ बीन स्ट्रगलिंग विद मैसिव फाइनेंशियल एंड टेक्निकल ट्रबल्स फॉर द लास्ट 2 decades। PIA जो है वो खसारे में चल रही है आखिरी 2 दिहाइयों से, यानी कि 20 साल से तकरीबन फाइनेंशियल और टेक्निकल ट्रबल्स में घिरी हुई है। द इंक्वायरी रिपोर्ट विल श्योरली रेज क्वेश्चंस अबाउट द क्वालिटी ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल। तो इंक्वायरी रिपोर्ट जो आई है ये इनके HR रिसोर्सेज पर भी सवालिया निशान उठाएगी। सिमिलरली द ओवरसाइट रूल ऑफ द CAA विल कम अंडर ग्रेटर पब्लिक स्क्रूटनी। तो ये रिपोर्ट जो आई है इस हवाले से CAA के ऊपर जो पब्लिक है वो भी तनकीद का निशाना बनाएगी। इट इज़ द टाइम दैट अ डिसीजन इज टेकन ऑन PIA's अफेयर्स एंड द CAA इज ओवरहॉल्डेड टू प्रिवेंट फ्यूचर ट्रेजेडी। इसमें एक वर्ड है ओवरहॉल्डेड। ओवरहॉल्डेड का मतलब है कि चलो एक चीज़ ख़राब हो गई, अब उसको जो चीज़ सिर्फ ख़राब है उसको सिर्फ ठीक करना। PIA के जो मामलात हैं उनको देखते हुए CAA जो है सिविल एविएशन अथॉरिटी वो PIA की जो ख़राब चीज़ें हैं उनको चेंज करे या उनको ठीक करे ताकि आगे इन सानियात से बचा जा सके। आज का एडिटोरियल यहीं तक था। कोई बात नहीं समझ आई हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।